यदि आपको वास्तविक देहात्म भाव से निवृत्त होना यह साधना करनी है तो ध्यान से सुनना। जगत के विषयों को वस्तुओं को लेकर के संग्रह बुद्धि समाप्त हो जाए, और चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये सब चीजों से अपने आप को बचाओ। आज तक जितना किया हुआ है बहुत है, इनफ इज इनफ, और नहीं। फिर चाहे कपड़े हो, चाहे गाड़ियां हो, चाहे जूते हो, चाहे घर के वस्तु हो, ज्यादा वस्तुओं का संग्रह ना करें। जब तक के बाहर के जगत को खाली नहीं करेंगे तब तक के अंदर का मन खाली नहीं होगा, क्योंकि कचरे को निकालना ये दोनों जगह एक ही सिद्धांत है, स्थूल जगत में स्थूल वस्तुओं को निकाल देना और सूक्ष्म जगत में मन के जो राग द्वेष काम क्रोध दोस्त दुश्मन इन सब को निकाल देना, यही अध्यात्म साधना है। और उसके पश्चात देहात्म भाव से निवृत्त होने का तात्पर्य क्या है, एक तो संग्रह का प्रभाव कम होगा और दूसरा संबंधियों को लेकर के परेशान नहीं होंगे। संबंधी कौन है, यही है बच्चे माँ बाप भाई बहन पति पत्नी, यही सभी संबंधी है। सबके साथ रहो, फंसो मत कहीं। नहीं तो हमेशा वही पुरानी बात है, वही पुरानी बात है। और ये होने के पश्चात ये तो जब दिन भर रहेंगे हम तब, और जब अकेले बैठ रहे हैं ध्यान के लिए तो एकदम यही, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। पाना इसीलिए नहीं कि हम वो है ही, खोना इसलिए नहीं कि कुछ अपना है ही नहीं। जब हम किराए का घर छोड़ देते हैं तो दुख होता है क्या, अपना कभी था ही नहीं वो। तो बैठे एकदम से शुरू कर दो, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। तो अब मैं क्या करूं, ये प्रश्न मन में नहीं आ सकता। यदि ये चक्कर हो मुझे भगवान के दर्शन चाहिए तो परेशान होते रहो, मुझे कुंडलिनी को जागृत करना है तो लगाओ अंदर से हवा भरो कस के ऊपर उठेगी, कुछ भी नहीं चाहिए। और ये सब होते हुए आलस्य निद्रा प्रमाद, आलस न रहे सोए न, और वही की वही गलतियां ना करें, तो ये थोड़े समय तक अभ्यास होने के पश्चात कि ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, फिर इस मन को एजुकेट करना है, अभ्यास कराना है, क्या है दुनिया में जिसको कुछ पाना नहीं खोना नहीं, तो वो है आकाश। आकाश में कुछ डाल दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मिट जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से जागृत सपना आया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, सुषुप्ति समाधि आई तो कुछ हमने खोया भी नहीं। तो जागृत सपना की अनुभूतियां कुछ पाना नहीं है, और सुषुप्ति समाधि की अनुभूतियां कुछ खोना नहीं है। ये तो चला चले का खेला है, हमको सभी शब्द ग्रहण हो रहे हैं, एसी हवा फैन सब हमारे त्वगेंद्रिय में अनुभव हो रहा है, हम स्पष्ट जागृत है सो नहीं रहे, लेकिन किसका भी प्रभाव नहीं।
यह जो निर्विशेष ज्ञान है यह अपना स्वरूप है। अभ्यास करते रहे रोज रोज रोज, उसके प्रभाव से हम ये घर गृहस्थी से दुनियादारी से बहुत मात्रा में उपरत हो जाएंगे। फिर हमारे अंतकरण में शरीर को लेकर के मृत्यु इत्यादि विषय आ ही नहीं सकते, क्योंकि हमने पहले अभ्यास कर लिया है कि हम देह नहीं हो सकते, हम देह के माध्यम से प्रकट होने वाले हैं। अरे आप अभी बूढ़ा हुआ तो भी नहीं है चेतता, यही महाज्ञान है। अब तो जगो महाराज,